10-12 साल की थी या फिर मैं पापा भी जाते थे तो बट तो नहीं करती थी। दादी को तो पेट से किया है। मुझे गांव में जाते थे, गांव में झाड़ के रोटी भी लाते थे, सब काम करते थे। ऐसे गांव में बकरे भी थे, बकरे में भी जाते थे दादी कहते जब सारा काम करते। सास अब आने के बाद भी कोई काम नहीं छुटा, वो काम तो ठेठ से कर रहे हैं। शादी होने के बाद कमा रहे थे, जब भी करते रहिए तो सारा ही रोटी लेबो और लेबो झाड़ू काटबो। जैसे भदवा पर तो गाँव ठाकरे का गाँव रह गया ना, इसलिए क्योंकि इसी में अधिकांशतः बरसों से वाल्मीकि समाज के लोग ही जुड़े हुए हैं, इसलिए ज़्यादातर वाल्मीकि समाज के लोग ही इस कार्य को करते हैं। और अन्य मेरी जो जानकारी में आया है, अन्यंत्र स्थानों पर बहुत से दूसरी जाति के लोग भी इस कार्य में सहयोग करते हैं या इस कार्य को करते हैं। झाड़ू घर में लगाते हैं ना, सभी लगाते हैं, बाहर नहीं लगाते, बाहर ये लोग ही लगाते हैं। इनका काम है, पैसा है, और इन लोगों को दिक्कत नहीं इतनी तो पैसे से। माघी समाज में ना 200 तो काम नहीं कर सके, भाई जाट होया रेबरी होया कोई भी आया, भाई कोई भी आया तो माघो जात को वो काम नहीं कर सके। सफाई को काम तो सिर्फ माघी जात ही कर सके। जैसे कि सरकार, राज्य सरकार के निर्देश है 4000 की जनसंख्या पर एक सफाई मजदूर, तो उस रेशे में हम जिस वार्ड की जितनी भी जनसंख्या है उस अनुपात में उन सफाई कर्मचारियों का हम विभाजन करते हैं, उनके कार्य को बंटवारा करते हैं। वाल्मीकि समाज की सभ्यता और संस्कृति पर एक छोटा सा शोध किया और तब मैंने उस समाज को और गहराई से भीतर से जाना कि क्या तरह के संकटों से वो समाज जूझता है। हम केवल उनको सफाई करने वाले के रूप में देखते हैं कि हाँ ये सफाई करते हैं और ये इनका काम है, ये इनका धंधा है या इनका जीवन है ऐसा, लेकिन हम कभी भी उस समुदाय के लोगों की तकलीफ के बारे में नहीं जानते हैं, कभी उसके अंदर नहीं घुसते हैं कि आखिर क्यों उस समुदाय में भी महिलाएँ सर्वाधिक एक तरीके से एक्सक्लूडेड कम्युनिटी कोई है तो वो वाल्मीकि समाज की महिलाएं हैं जो सारी गंदगी को सर पे उठाती है, झाड़ू लगाती है। उनके मर्द दारू पी करके या ताश पत्ती खेलते हुए एक जगह पे बैठे रहेंगे, लेकिन वो महिलाएं सुबह उठती है, अपना घर का काम निपटाती है, फिर सर पे टोकरा लेती है, हाथ में झाड़ू लेती है, पूरा मोहल्ला बुहारती है, तमाम तरह की गंदगी, कांच के टुकड़े, जितना भी असुरक्षित चीज़ें हो सकती है वो सब करते हुए फिर वो दोपहर तक थक हार करके घर आती है। दूसरों काम मिल जाए तो जरूरी है। मैंने मैं सफाई को छोड़ दिया, मैं आज छोड़ दें दूसरों काम पर माँ का लोग खासियत आया कि नहीं तो तपड़ेड़ा में पढ़ भी लेवे तो पहली क्लास में लगार 5वीं तक जाए, फिर मेरा पेरेंट्स मैंने काम छुड़ा दे, काम छुड़ावा के बाद में दूसरों काम मिले नहीं, या तो रेत को जोड़ा काम करो या फिर साफ़ सफाई काम, सब सड़कों काम साफ सफाई को मिले। मैंने जो कचरो उठाओ और नालेंगा में बैठे और शाम में दारू पी लो सो जाओ। पहले मिला 6600 रुपये मिला, 600 का भाई ने घर का खर्चो लेवा, मांग वाला देवा कहीं चल एक आदमी को तो खर्चो चल रहा है। हाँ कभी ज़्यादा हो जाए दो जना 3 जना कमा सका तो अपने दे अगला दे भी सका और खा भी सका, ये नहीं अति पर तो कौन पड़े। नहीं सिलेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, केवल अपना डॉक्यूमेंट जमा कराओ, आईडी प्रूफ वगैरह होते हैं, क्यों इस पोस्ट के लिए ज़्यादा क्वालिफाइड होने की जरूरत नहीं है ना, और इस काम में इतना एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, उनकी कोई एज लिमिट नहीं है। जो भी राज्य सरकार के नियमानुसार जो आयु निर्धारित है वही कर्मचारी की जो आयु 58 वर्ष या 60 जो भी राज्य सरकार की है वही उनकी आयु निर्धारित है। किसी जाति का बंधन नहीं है, किसी समाज नहीं है, कोई भी समाज कोई भी व्यक्ति जो सफाई एक मजदूर है उसमें कोई बंधन नहीं है कार्य करने का। किसी भी समाज के कोई भी लोग आके कार्य कर सकते हैं। अब तो तने करवा लागे लुगया जो ब्रेगरी हो एवया सारा जन करवा लागे। अब तो क्यों रोड के ऊपर में देखा ने तो काम मिल रही को नहीं तो जाले रोड को झाड़ू काटबो और काटबो सब लाग 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 गया ले। पौधा के नीचे झाड़ू काटे सब जगह झाड़ू काटे करी है भाई। हाँ के भाई करे को नहीं पर ये ना गटर कौन दो है, गटर बाथरूम है कौन दो है, गटर बाथरूम बार माकी जाता ही दो है। गटर बाथरूम होटल में या कॉलेज में होया कचे कटे होया एक गटर में ही धोआ। अब फ्लोर धोजे तो घर में मशीना दे दे। अब गटर का मायने तो मुझे हाथ ही धोना पड़ा ना, गटर में तो हाथ गुरु से धो जहाता फाता का सब भी लग गया थी। तो मशीना कौन दी, मशीना कौन चाली हाल और ना दी मशीना। बस यहाँ के धुलाई हो ना वहाँ मशीन तो जरूर है जो लुगाए ना लुगाए कौन चला सका, आदमी चला सके भी नहीं। नाली में हाथ गाला कटे भी पड़ जाए गंदो का कहीं पर चीज़ पड़ जाए नाली में पड़ जाए तो भी हाथों निखारना पड़े। पौधा का मायने घुस जाओ कोई चारों फारो रे भी गए तो भी हाथ गाड़ना पड़े। पहले देखो हाथा का मायने पहले में ये उठावा यहाँ हाथ खराब हो जाए एक मायने एक मायने खा चालबा लाग जाए खून आबा लाग जाए। ये देखो तेजाबू धुआं, अब तेजाबू धुआं जो एरिया खराब हुई है कदे कदे तो खून आबा लाग जाए एरिया का मैं तेजाबू धुआं जी टेम। हाथ भी खराब हुआ है, हाथ में जो हाथों रगड़ा है मैंने केमिकल ना कर नहीं उतरे तो हाथों रगड़ना पड़े। मैंने केमिकल वगैरह आते हैं वो देते हैं सारे अपन झाड़ू है पोछा है बिंक आती है जितनी केमिकल भी आते हैं। जितनी भी एक ब्लॉक में 2 या 3 लेडीज लागे ना तो मैं अंदर अंदर काम कर सके प्लस साथ में हल्को काम जैसे टॉयलेट है गैलरी में पोछा लगाना है पोछा और वाइफ में काम कर सके। पर मशीन करवा के लिए भी मैं लुगाई सक्षम को ना क्यों करंट आ जा अचानक वहाँ फाल्ट हो गया कटे तो लुगाई एकदम डर छोड़ देते फिर पूरे बिल्डिंग में करंट फैल जा। इसलिए मैंने आदमी चला सके मशीन। तो कई टेक्नोलॉजी के लिए जो मशीनें हैं उनको चलाने के लिए केवल जेंट्स ही ज़्यादा काम कर पाते हैं, लेडीज़ कम कर पाती हैं। इनका लेडीज़ को हल्का काम दिया जाता है और इनको भारी काम दिया जाता है। पॉलीथिन का देते पॉलीथिन पहले तो दीवार अब तो देवेंगे उनके हाथ से धो के मेल धो के अब कतो धो कचो ना के रोजी ने सोचे कचो ना के अंदर खाना पीना को सब चीज़ ना के अंदर रोज को कतो धुआं भी नहीं को डब्बा टूटी उड़ो ने तो माता का मायने डब्बा उठा ले जावा कचरा ने पहले तो बाहर टेम्पू आवे बाहर तो निकालने पड़े भी नहीं है को ने और भाई रेडी हो ने तो भाई रेडी पर क्या आपका घीस के ले गया। अब इन माता भी रखना पड़े माता नहीं तो खानता पर रखना पड़े तो भी उठा के ले जावा यहाँ तब गंदगी खुचड़ो तो गंदगी मांग ऊपर ही पड़े। अब थैली देवे ने तो थैली को मैं कचो नांग दियो लड़के नांग दियो तो थैली का लिया और भगा दिया। ये थैलियाँ देवे कौन है कि भाई डब्बा के रेश पिन के लगाओ कचरा जो भाई भी के अंदर जा सके जो थैलियाँ कौन देवे क्या नहीं कि डब्बे को खाली कर दो रोज़ का धोखा मेल दो रोज़ का धोखा करते मेरा कभी बार लगा दे कि मार लगा दे तो फिर धुप्पा तो कौन है रोज़ तो धुप्पा कौन है डब्बा तभी तो सड़े ही है फिर डब्बा तो रोज़ कौन धुप्पा जो 12 आज 11 बजे 12 बजे तो लुगाएँ 12 बजे बात कर मायने किसी लुगाएँ अंदर को बाथरूम करेगी या डब्बा डब्बी धोएगी। आपने सफाई के काम में मशीन क्यों नहीं लाया? क्योंकि आप एक समुदाय को उस काम में रखे रहना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी नहीं लाना चाहते। आप उसमें टेक्नोलॉजी ला सकते थे, ऐसे बेहतर इक्विपमेंट आ सकते थे, ऐसे सेफ्टी गार्ड बनाए जा सकते थे कि इन लोगों को इस समुदाय को अच्छे से जो भी नौकरी है उनकी सफाई के काम की भी तो उसमें मशीनें कर सकती थी, वो उसका सुपरविजन कर सकते थे। लेकिन क्योंकि आपको मैनुअली उनको ये करवाते रहना है ताकि वो ये देखते रहें और वो ये समझते रहें कि ये उनका काम है, ये उनका धर्म है, तो ये चीज़ों को सरकार को बदलना चाहिए। गांव में देव जी को मंदिर है, जब ठाकुर जी को मंदिर है, ठाकुर जी मंदिर में माला चढ़वा कौन दे फोन तो एक ही है। पर अब आ तो एक ही सोच है गाँव वाले की सोच है कि हाँ का मंदिर में क्यों नहीं चढ़वा दिया। अब मैं तो माँ का पूजा मैं तो पूजा करा अतः गंदगा तो मैं भी कौन देवा। अब अटू में गंदगी को काम करा अब की सोच है कि लेटरिन बाथरूम धोवे ए बटैयान करे बटैयान करे तो यहाँ थोड़ी कि मैं पूरा गंदगी में काम करा। मैं दिन भर गंदगी में काम करा घरे गंदगी का काम करा रेवा तो सफाई हो ना। मैं यहाँ तो भाई सफाई कौन रहा मैं ना घर आबा के दाम नहाओ धोवा भी आ झाड़ू पोछो भी करा हाथ मुँह भी धोवा आ सोच है बेगे गाँव की जो मंदिर में माला कौन चढ़वा दे। जगह काय कोण मिले भाई, हाँ जगह कोण देरी के माने भाई, जगह देरी के अटे बैठ कर खाना खा लियो, अटे बैठ कर खाना खा लियो। अमे तो जो अंदर बिल्डिंग में काम करिए वो बटे बैठ कर खा लिया खाना, जै गैलरी हुई या कोई चौगान हो थोड़ो बटे बैठ कर खा लिया। कोई सुविधा कोने भाई, हाँ का थाना रूम दे रखी है, भी रूम में जाओ पंखो चलो आराम सो, बस सुविधा कोने। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं वाल्मीकि महिलाओं की कुछ कहानियाँ लिख रहा था और तब उन्होंने कहा कि हम कोई भी पीली चीज़ नहीं खा सकते, जो भी ऐसा पीला पदार्थ है वो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो पीला पदार्थ हमको मानव मल की उपस्थिति को दिलाता है, क्योंकि हम रोज़ उस चीज़ों को हाथ से उठाते हैं। तो हम कड़ी हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो हमें बिल्कुल भी हम खा ही नहीं सकते, क्योंकि वो कलर देखते ही हमको उस मलमूत्र की एक तरीके से अनुभूति होती है या उल्टी करने का जी चाहता है। गुलाब जामुन है और ए होया तो एक मायने कहीं मैंने सू गावा क्यों मैंने दिन भर तो गटर धोआ और पीलो पीलो ने मुंडा खातो रहे क्यों ने जी खातर मैंने पीली चीज़ को नफरत करा। मैं क्यों चीज़ करा कि मैंने सब्जी खावा ने तो सब्जी में लाल ही होनी चाह। झाड़ू है जो माँ को रोजगार है, 7 पीढ़ियों यही चाल रही है माँ का। माँ बूढ़ा बडेरा है सब ये झाड़ू से चलते हुए, पढ़ाई लिखाई सब कुछ इससे ही होती है झाड़ू से ही। झाड़ू तो माँ की लक्ष्मी है, हर बात में झाड़ू आता ही तो झाड़ू का हाथ लगावा, हाथ जोड़ के भाई ये भगवान क्या आता ही भी नहीं, उठा भी नहीं धो खावा। और भाई दिन भर भी के हाथ लगा जबरू झाड़ू काटिया, बरू झाड़ू काटिया, बरू झाड़ू काटिया, दिन भर भाई रे माँ काट कमाए। जो आदमी जो रोजगार करे भी के लिए भी चीज़ को बड़ो महत्व है। जाने मान लो मार मैं झाड़ू को काम कर रही है, सफाई को काम कर रही है, तो माँ की झाड़ू है तो भाई मारा भगवान है। और एजुकेटेड हो चुके हैं लोग पहले से, तो एजुकेटेड ही है। माँ के दिन में धो लिया गटर बाथरूम, पर एक दिन में तो गटर बाथरूम नहीं धोना चाहो ने, ये तो कि मने ने पढ़ लिख के कुछ मने तो फायदो है के। और एक दिन नहीं पढ़ावा लिखावा और ए माँ की तरह रही तो एक गटर बाथरूम ही धोई। फिर अब वाल्मीकि समाज जो हमारे पास पहले जो अनपढ़ लोग आते थे, अभी समाज के भी युवकों युवतियों ने बहुत पढ़े पढ़ लिख लिए। जो स्वास्थ्य मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक भी मैंने इसी समाज के एक होनहार युवक नवल जी मट्टू को एजुकेटेड व्यक्ति था, उसको मैंने स्वास्थ्य निरीक्षक बना के इस नगर में एक अभियान चलाया था। तो अब तो कि दोस्ती बने ज़्यादा बदबा लागी ने। अब जी ने एक हो गया एक अति छुआछूत कौन है, पहले छुआते जगह शादी में कौन बुलावा क्या बता भैया के नूतो भी कौन देवा। अब तो जैन गांव में नूता देवे ना, जैसे शादी होगी नूतो पर है 200, जैसे 200 देवे ना, जैसे मैं 200 गा लिया तो अगले वो 400 गा ली। अब तो नूता भी लेवे नूतो भी देवा मैं, और हर जगह शादी में भी जावा। नीचे घृणित नज़रों से देखते थे, पर अब बराबर और वैसे हो चुका है। अब तो काफ़ी कानून वगैरह भी आ चुके हैं, इन लोगों को भी अपने राइट्स पता है, तो इन लोगों को बोल नहीं पाते। अब पहले जैसे इनको कुछ भी बोल दिया जाता था, कैसे भी इनको बुला लेते थे, पर अब नहीं होता ऐसा। तो आज भारत का प्रथम व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति साथ बैठ के भोजन कर रहा है। छुआछूत तो नगण्य ऐसा हो गया है मेरी दृष्टि में। जो दिमाग की गंदगी साफ करोगे ना तब अंदर बाहर की गंदगी साफ होगी। सफाई का कार्य कभी ख़त्म नहीं होता, सफाई का कार्य ऐसा है ये कभी ख़त्म नहीं होता। केवल ड्यूटी खत्म हो जाती है और कार्य कभी ख़त्म नहीं होता। तो आज अपन क्लीन कर देंगे कल फिर भी बराबर हो जाएगा। मुझे लगता है कि 100% क्यों वाल्मीकि समाज के लोग ही सफाई कर्मचारी होंगे, वही क्यों सफाई करेंगे। हम तमाम लोग गंदगी करेंगे और वही समाज क्यों सफाई करेगा, और लोग क्यों नहीं सफाई करेंगे। सफाई के काम में तमाम समुदाय को आना चाहिए। अभी आते भी हैं लोग, ठेका जब लेते हैं तो ठेकेदारी प्रथा में दूसरे समाज के लोग ठेका लेते हैं, लेकिन वहाँ कौन बैठता है? जो सड़क पर सफाई करता है वो तो वाल्मीकि होता है। बिंदेश्वरी पाठक ने पूरे देश में सुलभ शौचालय बना दिया, लेकिन बिंदेश्वरी पाठक और पाठक की जमात तो वहाँ नहीं बैठती है। वहाँ जो आपको जो डेस्क पे बैठा हुआ व्यक्ति दिखता है, जो 5-5 रुपये 2-2 रुपये लेता है, वो वाल्मीकि समाज से ही होता है। तो आपका जो तकनीक है वो काम आनी चाहिए थी इस समाज को उन परिस्थितियों से बाहर लाने के लिए, और उनको उस चीज़ से बाहर ला करके पुनर्वास करना चाहिए था। उनको दूसरे अल्टरनेटिव धंधे दिए जाने चाहिए थे कि आप दूसरे काम कर सकते हैं, आपको इसको छोड़ना है, ये काम आपके लिए नहीं है। अगर ये काम है तो सबके लिए है और नहीं है तो फिर किसी के लिए नहीं है। इस अस्वच्छ जो एक तरीके से मेला काम है उससे वाल्मीकि समाज को बाहर निकालना ये पूरे देश की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है। और इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, आधुनिक चीज़ों का उपयोग होना चाहिए। और अगर तब तक हम उनको बाहर नहीं निकाल सकें तब तक उनके लिए सेफ्टी गार्ड हों, उनके लिए श्रम कानून के तहत सारी चीज़ें हों, उनको परमानेंट उसमें नौकरी की जो प्रावधान है वो दिए जाएं ताकि उनकी बेहतर ज़िंदगी बन सके।